जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, आज गुरु जी का आदेश अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ कि मुझे सत्संग शेयर करनी है और मैंने पता नहीं कितनी आलस के मारे मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। और अभी मैं अमृत वेला बुधवार के दिन 4:42 टाइम हो रही है सुबह के, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जैसे बोलते हैं कि अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी मैं फिर से दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये है कि कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आ रहा है, मतलब वैसे गुरु जी का मेरिकल्स तो हर रोज़ होते रहते हैं, पर आज अप्रैल महीना मई महीने के बीच में गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे दो गिफ्ट सरप्राइज करने जा रहा हूँ ऐसे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरु जी का क्या ही मैसेज, मतलब क्या ही सरप्राइज देने जा रहे हैं मुझे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु जी सच में मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो दो दिन मुझे मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब में, मैंने देखा भी। उसके बाद तीसरे दिन को ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे सुबह 13 मई को मुझे सुबह 8 बजे कॉल आया कि मैम आपका एक पार्सल आया है। तो मैं सोची कहाँ से आ सकता है मुझे पार्सल। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखा और गुरु जी से बोला, गुरु जी आपने जैसे बोला था मुझे सरप्राइज़ के बारे में, सच में सरप्राइज़ भेज दिया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे मन मन में गुरु जी को मैंने बोला। और उस पार्सल वाले भैया को मैंने बोला कि कहाँ से आया है पार्सल, तो उन्होंने बोला जोमेटो से आया। मैंने बोला जोमेटो से इतना सुबह सुबह 8 बजे, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। फिर वो बोलते हैं, भैया बोलते हैं कि आपका केक का पार्सल आया। तो मैं तो खुश हो गई। तो मैं बोली पता नहीं ये किसका काम हो सकता है। फिर मैंने सोचा ये मेरी फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड है उसी का काम है। तो उसको भी मैंने मन मन में थैंक यू बोला। पहले तो पार्सल वाले भैया को बोला आप रुको मैं आती हूँ, ऐसे बोल के मैंने, मुझे तो तैयार होने में, वो जहाँ पर आया था पार्सल, वो पार्सल वाले भैया जहाँ आए थे, मैं उसी के सामने, मेरे एक फ्रेंड का घर है, मैंने उसको कॉल किया और उसको बोला एक पार्सल आया तो रख मैं आ रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो मैं पार्सल लेने के लिए मतलब ऐसे 10-15 मिनट बाद में निकल गई घर से। उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना था, बैंक में कुछ काम थी, तो मैं उसके घर में गई। तो उसने पार्सल रखा हुआ था, वो भी सरप्राइज हो गया अचानक से तेरे घर में। मैंने बोला एनिवर्सरी का था, एनिवर्सरी मेरी को अप्रैल को आता है, तो ये मेरे को सेलिब्रेट करने के लिए, वो एक्चुअली भूल गई थी, तो वही सेलिब्रेट के लिए मई महीने में ये पार्सल मुझे भिजवाई है, मतलब ऐसा। तो मेरी फ्रेंड का काम है, ऐसे बोला मैंने उसको। उस जिसके घर में मैंने पार्सल रखवाया था उसका नाम गीतांजलि आंटी है, वो बहुत हैप्पी हो गई और सरप्राइज भी हो गई। तो उसने बोला तेरी पिछले महीने में गए थे ना एनिवर्सरी। मैंने बोला हाँ। तो ये मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मई महीना में ये 13 तारीख जो होता है ना, ये भी मेरी एनिवर्सरी में भी मना जाता है। तो फिर वो उसने बोला चल ठीक है। फिर मैंने केक कट किया, हम दोनों ने खाए। फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे तो अभी बैंक के लिए निकलना है, ये केक तू रख ले और बच्चे लोग को दे, मेरे लिए थोड़ा सा डाल देना, मैं अंकल जी को घर में ले जाके खिला दूँगी, ऐसे मैंने बोला। फटाफट तुरंत ही निकल गई। और फिर मैं घर में आई, मैं तो सीधा घर में आ गई बैंक से और मैं भूल गई।
कि मुझे उसके वहाँ से केक भी कलेक्ट करना था, तो उसका फ़ोन आया, तेरा केक तो रह गया मेरे पास। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अपने बच्चों को खिला देना। तो उसने बोला ओके, ऐसे बोल के हम अब भूल गए। शाम तक क्या हुआ संगत जी, शाम था 6 बज रहे थे शाम के, 6:30 ऐसे। तो मैं मंदिर घर में थी, तो पहले तो मैंने गुरुजी को दिन भर थैंक यू बोला, दिन भर मेरे मन से गुरुजी के लिए शुक्राना, इतना सुंदर सरप्राइज़ देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। मैं दिन भर ही करती रही गुरुजी को, मैं बहुत थैंक यू करती रही उस बात के लिए गुरुपा को। फिर शाम को 6:30 तक क्या हुआ संगत जी, मैं मंदिर घर में थी, जैसे मंदिर घर से निकली बाहर आके देखी तो मेरे 5 फ्रेंड बाहर खड़े हैं सरप्राइज लेके। तो मैं तो चौंक गई, मैंने बोला है ये सब एक साथ। उसमें गीतांजलि आंटी थी, मंजू आंटी थी, सीमा आंटी थी, नीता आंटी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। तो गुरुपा का ऐसा मैसेज, और गुरुपा ने ये भी बोला था मैं तुझे दो सरप्राइज देने घर में आ रहा हूँ, ऐसे मैसेज आया था ना। तो वो लोग आ गए घर के अंदर, फिर उन्होंने इतने सारे सामान लाए मेरे लिए। उसके बाद उसमें ना संगत जी एक पीकॉक भी आया मेरे लिए, मतलब जैसे गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ सरप्राइज लेके, वैसे पीकॉक के फॉर्म में गुरुपा मेरे घर आ गए। गिफ्ट में मेरे को एक पीकॉक भी मिला उनकी तरफ से, मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। तो गुरु जी ने जैसे कहा था वैसे मेरा गिफ्ट और सरप्राइज पूरा कर दिया गुरु जी ने। थैंक यू सो मच गुरु जी, उस दिन इतना सारा खुशी देने के लिए और सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके बाद संगत जी हम सभी ने इंजॉय किया, इंजॉय करते। फिर कुछ दिन बाद गुरु जी का मैसेज हुआ तेरे घर सत्संग रख, मैं आ रहा हूँ। तो सडनली ये मैसेज आया, उस दिन क्या था गुरु संगत जी पता है, मई महीना 26 मई को, 26 मई को गुरुवार, तो 26 संगत जी मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शायद मतलब टोटल नंबर 7 होता था, मतलब 16 या 25 ऐसे था, 16 मई को। तो क्या हुआ, मैं गुरु जी का मैसेज उससे पहले मुझे आया कि मैं तू सत्संग रख, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मैंने क्या किया, सत्संग रखूँ या ना रखूँ ऐसे फील हुआ। तो लेकिन जब मैसेज आया ना संगत जी, तो मुझे तुरंत ही लगा कि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए है। तो मैंने सोचा कल तो गुरुवार है, आप कल की तैयारी तो मुझे करनी पड़ेगी गुरु महाराज का आदेश है। तो मैंने क्या किया, हाँ ना में मैंने सोचा अब तो अंकल जी भी काम पे चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊँगी, कैसे काम करूँगी, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो और ऊपर से मम्मी पापा को गुरु महाराज के बारे में कुछ पता नहीं है कि मैंने गुरु महाराज अपने कमरे में एक अलमारी है संगत जी, उसमें बना के गुरु जी का स्वरूप वहाँ पर रखा हुआ है, वहीं पर मैं पूछती हूँ गुरु जी को, और गुरु जी ने खुद ही चुना है वो स्थान, मुझे पता है। उसके बाद में गुरु महाराज ने जब ये आदेश दिया तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट दिन को मैं गुरुवार था, उस दिन अंकल जी भी बोले कि आज मुझे काम में जाने का मन नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप रह जाओ, ऐसे बोलते बोलते अब जैसे मैं सुबह का नाश्ता वास्ता कंप्लीट करवा दी सबके लिए, 11 बज रहे थे। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं आज तो गुरु जी का आदेश तो मुझे आज तो करनी ही है। फिर मैंने सबसे पहले आके अपने ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया कि शाम को, ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग बस फ्रेंड सर्कल में हैं, तो छोटा सा सत्संग करने का सोचा। तो ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि आप सभी शाम को 5 बजे तक आ जाना, 5 से 7 बजे तक घर में सत्संग रखूँगी। और मैंने अपने बहनों को भी बोला फ़ोन करके कि शाम तक आप लोग आ जाना, सत्संग है घर पे।
इस हिसाब से सभी लोग को मैंने बोल दिया। उसके बाद में घर की सफाई करने लगी, घर की सफाई कर रही, और मैं थोड़ी परेशान भी हो रही थी, गुरु महाराज कैसे होगा क्या होगा, मैं घर में करूँ या बाहर जाऊँ सामान मंगाऊँ, ये सब हो रहा था मेरे मन में। तो संगत जी बहुत एक दो सामान तो मैंने गुरु मैंने अपने अंकल जी को बोला, उन्होंने बोला ओके मैं ला दूँगा। और फिर कुछ सामान और रह गए, मैंने बोला चाय नाश्ता के लिए और रोजेस के लिए, मैं किसको बोलूँ, अंकल जी को तो बार बार बोल नहीं सकती, वो गुस्सा करेंगे। फिर मैंने मेरे पड़ोस में एक रूपा आंटी है, मैंने उसको कॉल किया, वो भी उस दिन मतलब वो जॉब में जाती थी, रोज जाती है, लेकिन उस दिन वो भी एब्सेंट करके घर में बैठा हुआ बैठी हुई है। तो मैंने बोला उसको कॉल किया, तो बोला तो अगर मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए मतलब, तो हाँ बोले, तो मैंने बोला थोड़ा सा रोजेस ला दे और नाश्ता का कुछ सामान ला दे घर बाहर जाके, क्योंकि अगर मैं बाहर जाती ना संगत जी तो मेरा घर का काम ऐसे कैसे पड़ा रहता। तो मैंने उसको संग सत्संग के लिए थोड़े बहुत सामान की ज़रूरत थी, मैंने उसको पैसे दे के भेज दिए और उसने सारा सामान ले आया। उसका भी थैंक यू सो मच, उस आंटी का भी और मेरे अंकल जी का भी, और साथ में गुरु महाराज का तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू है, शुक्राना है, क्योंकि गुरु महाराज ने कुछ देर बाद में जैसे मैं काम करते करते से एक या डेढ़ बज गए थे दिन के, मैंने ऐसे मैसेज कुछ मिनट के लिए देखा तो गुरु महाराज का मैसेज था, तू चिंता मत कर मैं सारा संभाल रहा हूँ ऐसे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज, सत्संग करवाने का शुक्राना, गिफ्ट देने का शुक्राना, सरप्राइज देने का शुक्राना, ये आपको शुक्राना सत्संग है मैं बोल रही हूँ। और जितना सारा मुझे और संगत जी, फिर मैंने सारा तैयारी कर ली, शाम को ये हुआ कि मुझे मन में ऐसा हो रहा था ना कि जितना भी हो घर में बड़े हैं उनको बिना बताए मैं सत्संग कर रही हूँ, वो अगर पूछेंगे, मेरे रूम में कर रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग का रूम थोड़ा सा अलग है, तो अलग है हम लोग के घर मेरे रूम से अलग रूम में है ऊपर में, तो मैं नीचे में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं घर में बड़े हो तो उनको भी बताना ज़रूरी है, गुरु जी का इतना बड़ा सत्संग हो रहा है घर पे। तो मैंने अंकल जी को थोड़ा शाम होते होते मैंने उनको बोला आप जाके मम्मी को बोलो घर में पूजा रखी है ऐसे, तो उन्होंने जाके ऐसे बोल दिया कि घर में सत्संग रखे हैं आप। अब तो सत्संग बोलते मेरी सासू माँ तो पूरा चिढ़ गई और बोलने लग गई कि पता नहीं तुम लोग किस किस भगवान की पूजा करने लगे हो, आप कुल का नाम सर्वनाश करने जा रहे हो, तो ऐसा ही है तुम लोग पंजाबी को पूजना चालो। सॉरी गुरु महाराज, सॉरी संगत जी, मेरी सासू माँ की थॉट ही ऐसी है, मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती, वो गुरु महाराज ही कर सकते तो गुरु जी ने सॉरी फिर गुरु जी को फिर मम्मी जी ने ऐसे ऐसे बोला, तो मेरे हस्बैंड आके बोले हो गया अभी सत्संग, मम्मी तो पूरा गुस्सा हो गई है ऐसे ऐसे बोल रही है और आपको बुला रही है। मैं गई मम्मी के पास, मम्मी ने बोला क्या सत्संग करवा रही हो, क्या है? हाँ, मैंने बोला डरते डरते नहीं, शिव भगवान की थोड़ी सी पूजा कर रही हूँ रूम में और अपने फ्रेंड्स लोग को बुलाई हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है और कोई सत्संग में नहीं रख रही हूँ, सॉरी गुरु जी मैंने उस दिन झूठ बोल दिया। तो उस दिन मैंने मम्मी जी को ऐसे बोला कि नहीं मैं सत्संग नहीं कर रही हूँ, शिव भगवान की पूजा ही कर रही हूँ, और जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरु महाराज तो शिव भगवान जी ही है, तो इसलिए मैंने शिव भगवान की पूजा बोली। उसके बाद मैं आ गई, मम्मी थोड़ा बहुत गुस्सा है, बोला तुम लोग अगर ऐसे करोगे सबकी पूजा ऐसे ऐसे करने चालू करोगे, किसी गुरु गुरु को मानोगे तो आप लोग अलग हो जाना घर से ऐसे, मतलब बहुत बुरा भी लगा। फिर ना संगत जी मेरा मन एकदम ही ख़राब हो गया, तो उस मतलब उसके बाद आकर मैं गुरु महाराज की तरफ देख के बोलने लगी गुरु जी ये क्या कर रहे हो, आप सत्संग भी करवा रहे हो और घर में ऐसे कलश भी हो रहा है, मतलब मन भी खट्टा हो गया मेरा। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास तो शिव और पार्वती जी का कोई स्वरूप नहीं था,
तो मैंने सोचा भी अचानक रूम में अगर मम्मी जी आ गई तो फिर गुरु जी का स्वरूप देखेगी तो घर में तांडव करना चालू करेगी। फिर मैंने अपने दीदी के घर से शिव और पार्वती का जो गणपति बापा कार्तिकेय जी होते हैं उनकी पूरी फैमिली होती है ना, वो वाला स्वरूप लाया और उसी दिन उन स्वरूप को भी तिलक लगवाया, माला लगवाए, फिर उनकी भी अच्छी तरह से पूजा की। और पूजा करने के बाद मैं डर तो रही थी, लेकिन शाम होते होते सब लोग आ गए, मेरे फ्रेंड्स लोग और मेरी बहनें आ गई। उन मतलब इतना मैंने सबको बोल रखा था कि जैसे गुरु जी का जो बड़े मंदिर में रूल्स होते हैं ना, बिल्कुल साइलेंटली सत्संग होनी चाहिए, तो सभी ने ऐसे ही रूल पालन किया। संगत जी सभी आए एकदम साइलेंटली, मतलब बैठे, गुरु जी का स्वरूप, भजन, मंत्र जाप, फिर शब्द, ये सब चलाए हमने और सभी मौन होके गुरु जी की तरफ देखते रहे। और मतलब मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स और मैं खुद भी, मैंने मतलब हम सभी की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सत्संग भी मैंने उन सभी के सामने लाइव सत्संग शेयर किया कि गुरु जी ने कैसे ब्लेस्ड किया था। और उसके बाद में सत्संग हो गई मेरी अच्छी तरह से, सभी को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद दिया गुरु जी का, सभी खाए। और मेरे फ्रेंड्स लोग तो फ्रेंड बोलने लगे कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। बार बार उसने बोला कि नहीं उषा, आज का सत्संग जो था ना बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो सबको अच्छा लगा, बहन भी बोलने लगी दीदी तूने बहुत अच्छा सत्संग किया है। तो मैं तो करने वाली कौन ही हूँ, सब गुरु महाराज ही कर रहे थे साक्षात बैठ के। तो उसके बाद ये हुआ। फिर ना संगत जी, फिर तीसरा सत्संग मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस दिन तो सत्संग हो गए, तीसरा सत्संग ऐसा हुआ कि मेरी बहन का फ़ोन आया मुझे कि दीदी मुझे ना रेंट में घर चाहिए था और अभी तक मुझे कोई रेंट में घर नहीं मिल रहा है। और मैंने गुरु जी को अरदास की थी, गुरु महाराज मुझे रेंट में घर चाहिए कोई अपना रीजनेबल प्राइस में। तो उसने गुरु महाराज के सामने अरदास की थी। फिर वो जॉब के लिए जब गई तो उसी दिन एक लेडीज़ ने उसको ऐसे घर के बारे में बताया। तो उस लेडीज़ ने बताया इस जगह पे एक रेंट का घर है, बहुत ही कम प्राइस में है, तो और आप भी जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मकान है, मतलब ऐसे बहुत ही बहुत सुविधाजनक है, मतलब ऐसे बोला। तो उसने बोला, तुरंत ही अपने पति के साथ चली गई देखने के लिए। वो देख के आई, वो सब कुछ उनको अच्छा लगा, वहाँ का वाइब्स भी बहुत अच्छा था। तो उसने मुझे बताया, फिर उसने बोला, अभी वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने तो अरदास की थी गुरु जी को और दूसरे ही दिन में उस लेडीज़ ने आके घर के बारे में बताया और उन्होंने जाके देख लिया। अब वो सोच रही है थोड़ा सा अप है, तो वो सोच रही है अभी इस अप में आऊँगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि तो दोपहर में बच्चे को लाना लेना इससे तकलीफ़ हो सकती है। तो पता नहीं ये गुरु जी ने मुझे ये घर दिया है या मैं खुद ही सोच रही हूँ, ऐसा उसके मन में कन्फ्यूज़न था। तो उसने फिर गुरु जी के सामने अरदास की कि गुरु जी आप दीदी के, मेरे जो उषा दीदी है उसके मुंह पर जाके बैठना, क्योंकि मैं उससे जो पूछूंगी और पूछूंगी शाम को जो वो बोलेगी मैं वो ही करूँगी। ऐसे उसने फिर से गुरु जी के सामने अरदास की। फिर उसने ये सारी बातें मुझे बताई। तो उसने बोला शाम को मैं आ रहा हूँ, तो तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। आप देखो संगत जी, ऐसे ऐसे जब बोल दी मैं तो और भी कंफ्यूज हो गई। मैं बोली भगवान जी, मैंने ना उसका घर देखा है ना जगह देखी है, मैं कैसे उसको सजेस्ट करूँ। फिर मैंने भी गुरु जी से अरदास की, गुरु महाराज बहन तो ऐसे बोल रही है कि आप तो मतलब उसके लिए घर देखे हो और वो बोल रही है जो मैं बोलूँगी वही होगा, तो आप मुझे बताओ मैं उसको क्या जवाब दूँ, वो घर उसके लिए सही है या नहीं है, मैं कैसे उसको रिप्ले दूँ, आप बताओ। मैंने जब गुरु जी से ये अरदास की दिन में,
तो उसके बाद में मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। और मेरा तो रोज का रूटीन है संगत जी, मैं रोज़ खाना बनाते थे समय अपना सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग सुन रही थी, सुनते फर्स्ट सत्संग जैसे मैंने नेट ऑन की और फर्स्ट सत्संग सुनी, तो वहाँ पर सत्संग ख़त्म होते होते मुझे एक सत्संग सुनाई दिया, जो कि गुरु महाराज ने ये मेरा जवाब दिया कि उस सत्संग में सेम वही केस था जो केस मेरे बहन के साथ और मेरे साथ हो रही थी। उस सत्संग में एक आंटी जी ने बताया अपने बहन को, मतलब बड़ी बहन को, कि दीदी मुझे एक रेंट में घर चाहिए और वो घर मुझे नहीं मिल रहे, मैंने गुरुजी से अरदास की है। और संगत जी उनका मैसेज आया, दीदी से वो बात, आंटी जी दीदी से, अपनी बड़ी दीदी से ये बात करी। उसके बाद में उस आंटी को मैसेज आया गुरुजी को, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मैंने तेरे लिए ही ये घर सिलेक्शन किया है। अब ये आंसर मुझे मिल गया कि वो उस मेरे बहन के लिए गुरुजी ने ही ये घर सिलेक्शन किया है, क्योंकि आंटी जी ने जैसे अरदास की थी और आंटी जी को मैसेज आ गया था कि मैंने ही तेरे लिए ये घर देखा है, तू जा उस घर में शिफ्ट हो और मेरा एक बड़ा स्वरूप रखी और मेरा सत्संग करना, ये वाला आंसर उसको मिला। फिर मैंने बहुत 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 थैंक यू बोला, शुक्राना 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 गुरु महाराज, मुझे इतने अच्छे से मतलब क्लियर करके मुझे बताया कि मैं बहन को कैसे जवाब दूँ। फिर मैंने तुरंत ही मेरे बहन को फ़ोन किया और बोला गुरुजी ने तेरा जवाब दे दिया है, तू गुरुजी ने तेरे लिए ही वो घर चुना हुआ है, तू शिफ्ट हो सकती है। ये उसके लिए उसका मैंने ये वाला मैसेज उस तक पहुंचा दी। तो वो भी आंखों में आंसू, और मैं जो बोल रही थी ना संगत जी, मैं मेरे आंखों में भी बहुत आंसू आ रहे थे, मतलब खुशी से, मतलब गुरुजी इतने प्यार से सुनते हैं और इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी, क्या ही बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी जिस दिन से मैंने सत्संग रखी थी ना संगत जी, उस दिन से गुरु महाराज को मैं दिया तो जलाती हूँ, जैसे दिया ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है, तो मैं फिर गुरु जी महाराज को ढक देती हूँ। संगत जी मैं बीच में बोलना भूल गई थी, तो उस दिन जो शिव जी और पार्वती जी का पूरा फैमिली मेरे घर में आए थे सत्संग के दिन, दीदी के रूम से मैंने वो स्वरूप लेके आए थे भगवान जी का, तो मैंने अपने अंकल जी को नेक्स्ट दिन में बोला कि मम्मी जी कभी भी मेरे रूम में आ सकती है आप, इसीलिए एक काम करना शिव जी का एक स्वरूप ले आना। अब वो तो बोले ओके थैंक ठीक है लेके आऊँगा, तो ऐसे बोल के वो गए। और मैंने तो बोला नहीं कौन सा स्वरूप लाना है, और मेरे मन में ये आ रहा है संगत जी कि बार बार पूरा दिन जब तक वो नहीं आए तब तक ये ही मन में आ रहा है कि आज तो गुरु जी पूरी फैमिली के साथ ही मेरे घर आएंगे, सत्संग के दूसरे दिन में हुआ ये, तो मुझे ऐसा लग रहा नहीं, वो कल जैसे स्वरूप था ना मेरे घर में दीदी के रूम से जैसे लाके मैंने पूजा की थी ना, वही स्वरूप मेरे घर में आने वाला है, मुझे बार बार इंट्यूशन हो रही थी। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो उनको सिर्फ शिव जी का फ़ोटो लाने के लिए बोला था, सिंगल वाली, तो सिंगल वाली क्या मतलब ऐसे होता है ना कि शिव जी की फ़ोटो ले आना, तो उन्होंने बोला ओके, तो मुझे लगा वो शिव जी के लेके आएंगे। फिर बार बार मुझे इंट्यूशन हो रही है कि आज गुरु महाराज अपनी फैमिली के साथ आएंगे। सच में संगत जी, जिस भगवान जी को मैंने सत्संग के दिन पूरे फैमिली के साथ पूजा था, वही स्वरूप फिर दूसरे दिन मेरे घर आ गए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज, आप अपने पूरे फैमिली के साथ मेरे घर में पधारे हो उसके लिए शुक्राना माता रानी, और आप खुद मेरे घर आए हो उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ने जैसे बोला था कि माता रानी और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, वो भी पूरा कर लिया।
कर दिया, जैसे गुरु महाराज बोलते हैं वैसे कर रहे हैं। मेरे लाइफ में मतलब बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं। मैं तो मतलब इतना मतलब मेरे मुंह से नहीं निकल रही है, और मैं तो बार बार सब बातें भूल ही जाती हूँ, और बहुत सारे सत्संग मैं भूल रही हूँ, और जैसे जैसे मेरे मुंह में आ रही है ना, मैं बस वही बोल रही हूँ। गुरु जी बुलवा रहे हैं, तो गुरु जी का अलग अलग शुकराना, ये शुकराना सत्संग था मेरा। गुरु जी आप ऐसे ही अपने संगत के साथ रहना, और आप ऐसे ही सबको ब्लेस्ड करना गुरु महाराज, जैसे मुझे किया आप सबको करना। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो भी आपने किया मेरे लिए, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, हर दिन देने का शुक्राना, हर दिन दिखाने के लिए शुक्राना, ये शुक्राना मैं कर रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।